हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आज मैं गाइस आप लोग के लिए एसएनसी की तरफ से ऑफ कैंपस हायरिंग हो रही है जो कि बहुत ज़्यादा मास हायरिंग करने वाली है। और किस बैच के स्टूडेंट हैं, 20, 21, 22, 23 और फ्रेशर स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इसमें कितना हो रहा है, नो एक्सपीरियंस है तो इसमें अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और ग्रेजुएट के किस किस कैंडिडेट जो कि ग्रेजुएशन के अंदर आते हैं, कौन सी अपनी ब्रांच के किसके कैंडिडेट हैं जो कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बीई बीटेक वाले करते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, उनका एलिजिबल है या नहीं है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन गाइस मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आई होप गाइस आप लोग वीडियो स्किप नहीं करिएगा और वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया हूँ। और एसेंचर तो बहुत ही अच्छी कंपनी है देखा जाए तो, अभी रिसेंटली में तो अगर अच्छी हायरिंग कर रही है तो कुछ ना कुछ होगा जरूर, तो रिसेंटली में हायरिंग करने वाली है तो। और पूरी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ गाइस। तो देखिए, कंपनी एसेंचर है, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट है, सैलरी 3.4 LPA पैकेज है, एक्सपीरियंस 0 for 1 year है, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 1 year अगर एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है उनके लिए। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया होने वाली है, लोकेशन कहाँ कहाँ होने वाली है पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ गाइस में, कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, आप लोग नॉर्थ के हैं या ईस्ट के हैं, साउथ के हैं, कोई भी अगर लोकेशन है आप लोगों के लिए प्रेफर करती है या नहीं करती है, अक्रॉस इंडिया सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो यही गाइस आप लोगों के लिए है एसेंचर की तरफ से। और जो कि सॉल्व इशू विद एन एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें जितनी भी गाइड क्लाइंट वैरायटीज, मतलब जो भी चीज़ें हैं हमारी जो कि उसके अंदर हमारे फंक्शनल होगी, टेक्निकल होगा जो भी हमारा, और जो कि प्रोफाइल है उसके अंदर हमको वर्क क्या करना है, क्या नहीं करना है, फोकस किस पे करना है, तो ये चीज़ में इसमें मेंशन की गई है। क्लाइंट वैरायटी ऑफ एक्सपर्टाइज होना चाहिए, ओवरकमिंग टेक्नोलॉजी चैलेंजेस होने चाहिए, फोकस ऑन ड्राइविंग ऑटोमेशन, सेल्फ सर्विसेज, इवॉल्विंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और भी डिटेल में बताने वाला हूँ कि टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की प्रोफाइल इसमें, ठीक है, क्रिएशन ऑफ टेस्ट डिज़ाइन होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए, ट्रबल शूटिंग होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल डिजाइनिंग टेस्टिंग होनी चाहिए, सिनेरियोस एनालाइज द रिजल्ट एंड देन सबमिट द ऑब्जर्वेशन डेवलपमेंट, प्रिपेयर द ऑल रिपोर्ट रिलेटेड, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैरीड आउट, ठीक है, ये फर्दर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो गाइस आप लोग अगर ये इन्फॉर्मेशन होगी उसके रिगार्डिंग कुछ भी, अगर आप लोगों के पास इंटर्नशिप कुछ भी रिलेटेड होगा तो आप लोग वहाँ पर रेज्यूमे में अपने आप अपडेटेड कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप रेज्यूमे अपडेट करेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्दी होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं गाइस कि आप लोगों के जो कि स्किल्स हैं और जो क्या लोकेशंस हैं क्या होने वाली हैं गाइस आप लोगों की। देखिए, स्ट्रीम्स हैं, ब्रांचेस हैं, BSc, BCA, BBA, BA, BCom, BCom, ठीक है, BFM हो गया, BEd हो गया, BM हो गया, जितने भी बैचलर डिग्री के अकॉर्डिंग आप लोग देखा जाए, जो कि सिर्फ हाँ MSc नॉन CSIT स्टूडेंट हैं, पास आउट है, फुल टाइम एजुकेशन हुई होनी चाहिए, अगर पार्ट टाइम होंगे तो आपका रिजेक्टेड कर दिया जाएगा फॉर्म, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है BE, BTech, ME, MTech, MSc, MCA, MSc, CSIT, MBA और PGDBM कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस रोल, जो कि BSc के वो BTech के स्टूडेंट है, BE के स्टूडेंट है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये जो कि है स्ट्रीम है सिर्फ लिए BSc वालों के लिए, BCA वालों के जो ग्रेजुएशन है उनके लिए है, सिर्फ ये अप्लाई कर सकते हैं, BTech वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों की, नो एक्टिव बैकलॉग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और ऑनबोर्डिंग, आप लोगों की ट्रेनिंग के टाइम पे ऑनबोर्ड होने नहीं चाहिए और ऑनबोर्डिंग के टाइम पे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग ही बैकलॉग है तो क्लियर कर लीजिएगा गाइस आप लोग, एग्जाम्स के पहले क्लियर कर लीजिए, एग्जाम के टाइम क्लियर कर लीजिएगा, अगर आप लोग सिलेक्शन हो जाता है तो बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ट्रेनिंग के टाइम पर भी नहीं होना चाहिए और ऑनबोर्डिंग के टाइम पर भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, बात करते हैं लोकेशन की, लोकेशन क्या होने वाली है गाइस आप लोगों की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लोकेशन ऑल ओवर द इंडिया है, अक्रॉस इंडिया है, पैकेज भी बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस के साथ में कैंडिडेट है, प्रिफर्ड स्किल क्या होनी चाहिए, एलिजिबल टू वर्क, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, और जिन्होंने सर्विस प्रोवाइडर क्लाइंट हो जाए, फ्लेक्सिबल टू वर्क होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल इज द टॉप मोस्ट पार्ट, ठीक है, प्रायोरिटी होनी चाहिए। सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट है, एक्सपीरियंस 0 से 11 मंथ का होना चाहिए, सैलरी 3.41 to 3.41 है, फुल टाइम है। अब लोकेशन की बात करते हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, गुड़गांव, कोलकाता, कोयम्बटूर, जयपुर, इंदौर, ये लोकेशन हमारी होने वाली है, तो इन लोकेशन में आप लोगों को प्रेफर करने का चांसेस मिलेंगे कि आप लोगों की लोकेशन कहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जिस स्टेट का कैंडिडेट होगा उसमें प्रेफर की जाएगी लोकेशन, क्योंकि वो वहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर सके, ठीक है। आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को इजी टू हो जाएगा, फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा देर टाइम तक नहीं सुन रहेगा, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और एनीथिंग क्वेरी रिगार्डिंग द अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।